देखिए, अगर व्हाट्सएप अकाउंट आपका बैन हो गया है किसी भी कारण से और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो देखिए मैं अपना जो तरीका मैंने फॉलो किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने किया है आप चाहे तो अपना कर सकते हैं। देखिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही मैं यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस बैन अकाउंट, मतलब मेरा जो अकाउंट है वो बैन है। और यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट बैन हो चुका है, तो आपको ये मैसेज यहाँ पर टाइप करना है। सेम मैसेज आप टाइप करिए और मैसेज टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का आपको बटन दिखा, दिस डज नॉट आंसर, ठीक है, ये बटन आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल को चूज़ करना है और आपको यहाँ देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप का ईमेल 2 के अंदर आ गया है और आपको जिस भी ईमेल आईडी से आपको ईमेल करना है वो ईमेल आईडी ऊपर की तरफ चूज़ कर लेनी है और आपको जो मैसेज आपने वहाँ पर लिखा था वो सेम मैसेज आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, आपका मोबाइल, आपका जो नेटवर्क है, आप सिम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सब डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका मैसेज आपको यहाँ से ईमेल कर देना है, जैसे आपका ये ईमेल चला जाएगा उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको वापस में एक ईमेल मिलेगा, ठीक है। उस ईमेल को देखने के बाद अगर उसमें आपको बताया गया है कि आपका जो जो अकाउंट है वो रिकवर कर दिया गया है या फिर कुछ अदर कुछ भी कहा गया है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, दोबारा से व्हाट्सएप को ओपन करना है और चेक करना है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है अभी बैन शो कर रहा है या बैन शो नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, अभी मैं यहाँ पे ईमेल डाल चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल को सेंड कर दिया है। अभी मैं देखिए आपको सेंड के ऑप्शन में जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर सबसे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी मेल किया है वो सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे जब तक हमें वापस में कोई ईमेल नहीं मिल जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे ईमेल मिल गया है और मैं अभी आपको ये ईमेल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मुझे ईमेल मिल गया है। इस तरह का ईमेल आपको मिल जाएगा। ईमेल मिलने के बाद दोबारा से आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं अपना नंबर जो मेरा बैन हुआ है वही नंबर मैं यहाँ दोबारा से टाइप करूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही नंबर टाइप किया, ऊपर आप देख सकते हैं 9536377940। और ये नंबर टाइप करने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर अब की बार OTP जाएगा, वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन किसी कारण से लगता है कि OTP नहीं आ पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाएगा, ऊपर का जो सेकंड्स चल रही हैं वो कुछ कम हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो कॉल का ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा और आप यहां से कॉल कर पाएंगे। तो कॉल पर आपको OTP मिल जाएगा अगर आपको नॉर्मली मैसेज नहीं आता है। तो देखिए सिंपली अभी कोई दिक्कत है, मैसेज नहीं आ पा रहा है OTP का, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में मैसेज आ जाए। और मैसेज नहीं आता है तो आप यहाँ कॉल मी के ऊपर क्लिक करके आप OTP को कॉल पर रिसीव कर सकते हैं और उसको नोट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए मेरे पास में मैसेज के द्वारा OTP नहीं आया है, तो मैंने यहाँ पे कॉल मी के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब मेरे पास में एक कॉल आएगी और कॉल में मुझे OTP बताया जाएगा। जो कॉल के द्वारा आपको OTP मिलता है, एक बार आप उसको कहीं पर लिख लीजिएगा, उसके बाद इनपुट करिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने OTP डाल दिया है, उसके बाद मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और अब आप यहां पे देख पाएंगे मेरा जो अकाउंट है वो यहां पे भी वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम किसी भी अकाउंट को लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम, सेम वही दिखाई दे रहा है। तो देखिए मेरा अकाउंट पहले से यहां पे अवेलेबल था, सिर्फ बैन हो गया था। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे इसने मेरी जो पिक है, प्रोफाइल पिक है, वो यहाँ पर पिक कर ली है और अब मुझे यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो प्रॉपरली रिकवर हो गया है। तो मेरा तरीका आपको कैसा लगा और मेरे तरीके से अगर आपका जो व्हाट्सएप बैन हुआ है वो आपको रिकवर हो गया है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।